बाहुबली फिल्म के बाद शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो प्रभास को न जानता हो। इस मेगा फिल्म ने इस तेलुगु स्टार को घर घर पहुंचा दिया। बाहुबली से पहले जो लोग केवल साउथ की डब की गई हिंदी फिल्मों की वजह से इन्हें जानते थे, वो अब इस एक्टर के फैन बन गए। इस फिल्म ने प्रभास को इतनी शोहरत दी जिसकी शायद इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और आज हिंदी फिल्मों में भी काम करके ये बॉलीवुड में सुपरस्टार माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं आपका फेवरेट एक्टर कितना कमाता है, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, कैसी लाइफ जीता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बाहुबली प्रभास की सैलरी, लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। अगर आप भी ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, प्रभास के लिए एक लाइक तो बनता ही है। साउथ सुपरस्टार एक्टर प्रभास ने अपने करियर में अब तक 27 फिल्में की हैं, जिनमें काम करने का इन्होंने 25 करोड़ रुपए चार्ज किया है। साथ ही महिंद्रा TUV 300 जैसे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर होकर ये पर एड 2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, और इसी कमाई से इन्होंने 180 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, जिनमें हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में इनका आलिशान बंगला है जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ है। साथ ही फिल्म नगर में इनका एक बंगला है जिसे इन्होंने 2014 में खरीदा था, और वो बंगला इनका 40 करोड़ का है। इसके साथ ही 40 करोड़ का 80 गज में फैला हुआ इनका एक फार्म हाउस है। तो इस तरह से ये 180 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है। अब जब ये इतना कमाते हैं तो उन पैसों से लग्जरी लाइफ भी जीते हैं। शुरुआत करते हैं इनके कपड़ों से। तो ये काफी स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं जिनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देते हैं। इन कपड़ों में ये ज्यादातर जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं जिनकी कीमत 20 से 25 लाख के आसपास होती है, क्योंकि वो सभी डिजाइनर होते हैं। अब बात करते हैं इनके जूतों की। तो आपको बता दें, ये काफी महंगे ब्रांड के जूते पहनते हैं जिनमें जिमी चू और चैनल जैसे ब्रांड शामिल है, जो इनके हर कपड़ों से मैचिंग होते हैं। इस वजह से इनके पास जूतों का भी बड़ा कलेक्शन है। कपड़ों और जूतों के साथ साथ ये हैंड वॉच के भी बड़े शौकीन है। इनके पास हुबलेट बिंग बैंग जैसे लग्जरी ब्रांड की घड़ियां जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। अब अंत में बात कर लें कार कलेक्शन की। तो इनके कार कलेक्शन में रोल्स रॉयल्स गोस्ट, रेंज रोवर, जगुआर XJ जैसी महंगी गाड़ियां हैं। वहीं बात करें निजी जीवन की, तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है, पर एक बार इनका नाम बाहुबली फिल्म की देवसेना यानी अनुष्का शेट्टी से जुड़ चुका है, पर कभी इन्होंने अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और जल्द ही अलग हो गए, जिसके बाद अभी ये सिंगल है और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। वर्तमान में अपनी माँ शिवा कुमारी के साथ हैदराबाद के आलिशान बंगले में रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप प्रभास को और भी बॉलीवुड फिल्मों में देखना चाहते हैं, और किस एक्ट्रेस के साथ इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी? अपनी राय कमेंट में दे दो, और फिल्म जगत से जुड़ी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।